राजकीय महाविद्यालय करसोग में रोड सेफ्टी क्लब द्वारा त्रिवेणी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर गुलशन महाजन ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत में अनुशासन का परिचय देते हुए रोवर रेंजर इकाई, एनसीसी इकाई एवं एनएसएस इकाई के द्वारा ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के भीतर तीनों इकाइयों द्वारा रोड सेफ्टी अवेयरनेस तथा सतत विकास पर आधारित हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका अवलोकन महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी व्यक्तियों ने किया। इसका मुख्य उद्देश्य कॉलेज के विद्यार्थियों को ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस की जानकारी देना था, ताकि वे आने वाले समय पर अच्छे नागरिक की भांति ट्रैफिक रूल्स का पालन कर सकें। महाविद्यालय परिसर में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 26 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके साथ साथ शांति आज की आवश्यकता विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। महाविद्यालय के सभागार में मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। संगीत कला मंच के छात्रों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा विद्यार्थियों के उत्साह वर्धन के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर मोमेंटोस प्रदान किए गए, तथा रोड सेफ्टी के समन्वयक प्रोफेसर पंकज गुप्ता ने बताया कि यह कार्यक्रम उच्च शिक्षा निर्देशक के निर्देशानुसार महाविद्यालयों में आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय के छात्रों को रोड सेफ्टी के नियमों के से अवगत कराना है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए करसोग से राज सोनू की रिपोर्ट।